हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको इस तरीके की झल्लर रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरीके की झल्लर मैं आपको बता देता हूँ, ये भी दो तरीके की होती हैं। एक तो दोस्तों ये होती है, दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा खोल लूँ इसे। यहाँ पर ये देखिए, इसका यहाँ पर ये आया, तो आप देखिए यहाँ से ये दो तार हैं और यहाँ के बाद ये दो ही तार जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने वीडियो में इसे बनाना सिखाया था। तो दोस्तों, ये जैसे आप इसको बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसको बनाना है। तो दोस्तों, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि तो ये मैंने आपको बनाना पहले वीडियो में सिखा दिया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरा पहला इससे पहले वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, दूसरे प्रकार की, मैं दो प्रकार की झल्लर की बात कर रहा था। ये 15 फुट की झल्लर होती है दोस्तों, ये 35 या 40 फुट की झल्लर होती है। तो दोस्तों, इसमें दो तरीके की होती है, मैंने बोला था आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दो तार आई हुए हैं और दो तार आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 वायर हो गए हैं। लेकिन दोनों और बनाने का तरीका सेम है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा मैं बता दूंगा वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये झल्लर ये बंद है, मैं इसे चेक करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये झल्लर बंद है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले दो बारीक सुई की ज़रूरत पड़ेगी। दो बारीक सुई लेनी है आपको, दो बारीक सुई लेनी है। और दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगा तो एक आपको ब्लेड लेना है। और दोस्तों, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। अगर मल्टीमीटर ना हो तो दोस्तों, आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। तो सीरीज में कैसे चेक करते हैं, एक वायर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और दूसरा दोस्तों, जैसे कि मैंने आप बताता हूँ, सीरीज से चेक करेंगे तो आप दूसरा आपको ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डोरी है। इस डोरी की यहाँ पर ऊपर पन्नी की तरफ इस सुई को यहाँ पर ऐसे लगाना है। और लगाने के बाद दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए सीरीज़ के दो वायर हैं, यहाँ पे मैं बजर मोड पे इसको कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे बीप की आवाज़ आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस पे एक पॉइंट पे रखा है, नहीं आई, दूसरे पे रखा तो भी नहीं आई। तो दोस्तों, शायद ये झल्लर ख़राब है, इसलिए बीप की आवाज़ नहीं आई है। तो मैं आपको दूसरी झल्लर चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये झल्लर सही है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये झल्लर चालू है। तो यहाँ पर मैं आपको ये सुई लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आपको डोरियों के बीच में सुई नहीं घुसेड़ना है, इस डोरी के ऊपर बिल्कुल इससे चिपका के दोस्तों, आपको इसको सुई यहाँ पे लगाना है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक प्लग पे, एक पॉइंट पे आपको इसको टच करना है, जैसे सीरीज़ का है, सीरीज से चेक कर रहे हैं तो आप ऐसी तरीके से चेक करेंगे जैसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे सुवाना है, तो ये बीप की आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। दूसरे पे करना है तो देखेंगे दोस्तों, अभी बीप की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर आपका सीरीज़ का एक तार इस पॉइंट पे जोड़ लेना है जिस पे ये बीप की आवाज़ आ रही है। जैसे ही आप इस पे और इस पे रखेंगे तो ये दो बल्ब हैं जो ये जलने लगेंगे, ग्लो करने लगेंगे, और सीरीज़ का बल्ब भी जलने लगेगा। तो आपको जहाँ भी, मतलब मेरी बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये पॉइंट, इस पे आपको यहाँ पर एक तार जोड़ना है, ठीक है। एक तार इस पे जोड़ना है और दूसरा सीरीज़ का आपको ऐसे सुई लगा के चेक करते हुए चले जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने आपको बताया, ये दो वायर आए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये 5 वायर हो गए हैं। दोस्तों, मैंने ये खोल के रखा हुआ है, बड़ी सावधानी से आपको इसे धीरे धीरे इसको सरकाना है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर 1 2 3 4 फोर वायर हैं जो आपस में मिले हुए हैं, और एक वायर इस बल्ब से होता हुआ, देखिए दोस्तों, एक वायर इस बल्ब में जुड़ा हुआ है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये दो वायर आया है तो दो वायर में से, जैसे कि एक वायर, देखिए दोस्तों, ये एक वायर है यहाँ प्लग पे से जो आया हुआ है, प्लग में से, ये देखिए दोस्तों, ये प्लग है, प्लग में से ये दो वायर हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वायर,
एक वायर इन चार वायरों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों दूसरा यहाँ पे देखिए, ये वाला वायर है ये प्लग का, और दूसरा वायर देखेंगे आप दोस्तों, दूसरा इस बल्ब में जुड़ा हुआ होना चाहिए। इससे आपको कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बस एक इस बल्ब से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक इन चार वायरों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और आपको दोस्तों पैकिंग इस तरीके से करनी है कि ये आपस में टच ना हो दोस्तों, ये टच ना हो, क्योंकि एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है, तो दोस्तों आपको टच ना हो, इस तरीके से आपको इसको सेट करना है। चाहे आप जैसे भी सेट कर सकते हैं वैसे सेट कर सकते हैं आप इसको। तो मेरे को यही बताना था दोस्तों, एक ये प्लग के बगल से होता है, आपने देखा ये कि ये प्लग के बगल से होता है, और दूसरा दोस्तों लास्ट के छोर पे होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये खोल के बता दिया है, यहाँ पर ये बल्ब, यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है दोस्तों, जैसे कि शुरू में दिखाया था मैंने दोस्तों, एक वायर उधर होता है एक वायर इधर होता है, और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सारे वायर एक साथ जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। ये बल्ब ख़राब था, इसको मैं हटा देता हूँ, इसी की वजह से मेरी झलर ख़राब हुई थी, तो मैं इसको हटा देता हूँ इस ब्लेड से काट के। यहाँ पे बहुत पतले वायर होते हैं दोस्तों, इसलिए इसको यहाँ पर काटना पड़ता है, खींचेंगे तो आप वायर ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप चाहे जैसे भी काटें आपकी मर्ज़ी, मैं तो सिर्फ इस ब्लेड से ही काटता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये इसका कैप हटा लेते हैं ऊपर का, अभी हटा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका ये कैप हट चुका है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सुई लगाने के लिए क्यों कहता हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुई लगाने के लिए क्यों कहता हूँ, इससे बल्ब कैसे चेक होता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये देखेंगे ये बल्ब, यहाँ पर ये बल्ब है दोस्तों, ये बल्ब है, ये फूटा हुआ बल्ब है, तो ये फूटा हुआ बल्ब के बीच में दोस्तों ये प्लास्टिक की ऐसी वो लगी रहती है, जब अपन इसमें सुई लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये सुई ऐसे जाती है, जो इस वायरों से टच हो जाती है, यहाँ पर ऐसे ये सुई जाती है, जिससे अपनी लाइन पूरी चेक हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर ये लास्ट में है दोस्तों, सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है, लास्ट में सारे वायर जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपको ये सारे वायर एक साथ जोड़ देने हैं। यहाँ पर दोस्तों बल्ब लगा रहता है, अगर बल्ब सही है तो कोई उसको बल्ब को ना हटाए, बल्ब से होते हुए ये सारे वायर जुड़ जाते हैं। अगर बल्ब मेरा ख़राब हो गया था इसलिए मैंने ये हटा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे बल्ब सारे वायर यहाँ पर ये जोड़ देते हैं, इससे ये चालू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शुरू में एक वायर जुड़ा होता है और एक वायर बल्ब में से जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही रहता है, एक वायर बल्ब में जुड़ा हुआ होता है और एक सारे वायर एक साथ जॉइंट रहते हैं। और दोस्तों इसमें लगा के आप इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से टैपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरी झल्लर चालू है, अब इस झल्लर को चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, सबसे बल्ब पहले बल्ब कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर दो वायर जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी वायर हो जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर चेक नहीं हो सकता। तो दोस्तों अपन यहाँ से चेक करते हुए इसे ले चलते हैं, ये डोरी के ऊपर आप देखेंगे, ये दो डोरी है, डोरी के ऊपर से आप यहाँ से इसको चेक करना है। दोस्तों एक सुई यहाँ पे लगा दी और दूसरी सुई दोस्तों आपको कहाँ गई, दूसरी सुई
दूसरी स्विच। तो दोस्तों हम बोर्ड हटा देते हैं, इसको एक प्लास को यहाँ पर हटा देते हैं। और दोस्तों दोस्तों एक सुई ये रही, और दोस्तों दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सुई ये लगाई है, एक बल्ब छोड़ के दो और तीन चार, चार बल्ब छोड़ के अपन इसे चेक कर लेते हैं, या तीन छोड़ दो, दो छोड़ दो, चाहे जितना छोड़ दो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सुई यहाँ पर लगा दी। अब इससे जैसे आपका सीरीज़ है तो दोस्तों यहीं पर रहेगा, यहाँ पर एक लगा होगा और डायरेक्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीप की आवाज़, तो दोस्तों ये यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये सही है लाइन। इसी तरीके से अपन धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अपन इसको चेक करते हैं, और यहाँ पे यहाँ पर सुई लगाते हैं, इसे अच्छे तरीके से सुई लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पर टच होना चाहिए, अगर सुई सही नहीं लगाई तो आपको ये लगेगा कि ये बल्ब ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सुई लगा ली मैंने थोड़ा आगे, और इसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये बल्ब सही है। इसका मतलब ये बल्ब यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, ये लाइन यहाँ पर देख लिया आपने, सुई सही है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन शायद सही है, ये लाइन सही है। यहाँ से अपन इसको सुई को निकाल लेते हैं, और उसको इसी तरीके से अपन पूरी लाइन चेक कर लेते हैं। ये सुई अच्छे तरीके से अपन को यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से सुई यहाँ पर लगानी है।